जी टीवी में आपका स्वागत। दिल्ली के एनसीआर में आंधी तूफान को लेकर पहले से ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके चलते आज बुलंदशहर में तेज आंधी तूफान और बादल छा गया है। इस आंधी तूफान अभी तक किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं दिया है, लेकिन इससे पूर्व में आए आंधी तूफान ने कई तरह से तबाही मचा दिया था। वहीं 4 लोगों की मौत हो गई थी तथा बिजली खंभों को गिर जाने से कई करोड़ों की क्षति पूर्ति भी हुई थी। आंधी तूफान के दोबारा संकेत मिलते ही पूरे क्षेत्र में एक दहशत का माहौल बना हुआ है। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। जा रहे हैं आप? हाँ, कुछ नहीं, बात है, दुकान बंद करने जा रहे हैं। आंधी से पहले भी नुकसान हो चुका, फिर दोबारा नुकसान हो रहा। ये तार टूट रहे, हमारा तो जो होल्डिंग है ये फट गया सारा, और इससे समस्याएं चल रही हैं, परेशानी आ रही है। पहले भी लाइट की वजह से बहुत समस्याएं रही थी, लाइट के तार वार सब टूट गए थे, अब फिर दोबारा यही स्थिति हो गई। तो बताइए हम लोग क्या करें, हम तो परेशान हैं। इस समय आंधी किसी भी समय कोई भी रूप ले लेती है, अब इतनी भयंकर हवा चल रही है, क्या करें? ऊपर वाला पता नहीं क्या कर रहे हैं, दुआ करें ऊपर वाले, हम तो ऊपर वाले से दुआ करें कि ये इस तरह की चीज़ें ना आए और इस आपदा से हमें बचाए। 10 बजे तक आएगी।